See how to construct a questionnaire or a schedule. So, the first one here is decision regarding questions. Look, आपके क्वेश्चन कैसे होने चाहिए वो आपको प्री डिसाइड करना है ठीक है आप बनाते टाइम डिसाइड कर लो कि कैसे क्वेश्चंस आपको रखने हैं भेजने के बाद आप देखोगे कि अरे नहीं यार कुछ चेंजेस कर लेने चाहिए थे नो no. आपको पहले ही देखना आपको किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे देने हैं इट कैन बी सिंपल ऑल्टरनेटिव क्वेश्चन अब सिंपल ऑल्टरनेटिव में हो सकता है येस और अ नो क्वेश्चन पूछा और नीचे दे दो येस और नो दैट्स इट स्पेसिफिक हो गया सिंपल हो गया देन नेक्स्ट इज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ए बी सी डी एम सी क्यों हमें पता है आप फोर ऑप्शन दे दो जो आपको आपको लग रहे हैं कि देने जैसे हैं ठीक है देन नेक्स्ट इज स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आई यू मैरिड ठीक है अगर आपकी फैमिली में कितने मेंबर्स हैं हाउ मेनी आवर्स डू यू वर्क दीज आर स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन आपको कुछ स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन चाहिए और वो आपने कलेक्ट कर ली दी. तो दीज आर द डिसीजन रिगार्डिंग क्वेश्चन The next is limited number of question. इफ ए प पर्सन गोज इन पर्सन टू कलेक्ट सम डेटा ही कैन आस्क एज मैनी एस क्वेश्चन एज यू वॉन्ट ठीक है आप जितने क्वेश्चन चाहो आप पूछ सकते हो बट अगर आप एक क्वेश्चनर या स्केड्यूल कंस्ट्रक्ट कर रहे हो देर हैज टू बी सम लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन राइट ये कोई पर्सन इंटरव्यू नहीं चल रहा है इंटरव्यू में भी दे हैव लिमिट ऑफ आंसरिंग द क्वेश्चन राइट सो देर हैज टू बी लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चन लेट्स से एट और टेन क्वेश्चन प्रोबेबली तो देट साउंड गुड और एट इज मोर टू ज़्यादा से आप फिफ्टीन क्वेश्चन पूछ सकते हो सिंपल अगर ऑल्टरनेटिव ले रहे हो या सिंपल क्वेश्चन ले रहे हो तो फिफ्टीन क्वेश्चन ज्यादा लिमिट क्रॉस नहीं करना है कि आपका जो रिस्पॉन्डेंट है वो बोर हो जाए राइट right? और वो आपका मेर आधे में ही इग्नोर कर दे या बंद कर दे नेक्स्ट इज अवॉइड क्वेश्चन रिक्वायरिंग कैलकुलेशन इट मे हैपन जहाँ पर कैलकुलेशन का पार्ट आएगा वहाँ पर टाइम लगेगा और हमने क्या देखा इट शुड बी सिंपल ठीक है आपका जो क्वेश्चनर है वो फटाफट फिल हो जाना चाहिए ऐसा नहीं कि बहुत टाइम लग रहा है अब बंदा कैलकुलेट करेगा तो टाइम लगेगा एंड इट मे हैपन कि सबके पास में उतना टाइम नहीं होता है तो वो आपका मेल जो है या वो आपका जो क्वेश्चनर है उसको इग्नोर कर दे ठीक है या फिर रिस्पॉन्स बेटर नहीं आए या फिर वो ये क्वेश्चन अवॉइड भी कर दे फिल नहीं करें राइट द नेक्स्ट इज अवॉइड क्वेश्चन यूजिंग डबल डोंट यू थिंक वी शुड डू समथिंग टू क्लीन द टू कीप द सिटी क्लीन नाउ डोंट यू थिंक ऐसे नहीं पूछो ठीक है आप नेगेटिव डबल यहां यू डबल नेगेटिव यहां पे यूज मत करो आप पूछ सकते हो हाउ कैन यू कीप द सिटी क्लीन एंड देन यू कैन गिव देम फोर ऑप्शंस ठीक है आपको क्या फोर ऑप्शंस प्रेफरेबल लग रहे अपने क्वेश्चन में देने लायक वो आप फोर ऑप्शंस दे दो इनको राइट सो दैट मेक्स इट मोर इजियर टू आंसर नेक्स्ट इज प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ठीक है देर शुड बी अ प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन सबसे पहले आप नेम एज आपको जेंडर जो पूछना है वो सब पूछ लो एड्रेस पूछना है वट एवर यू वॉन्ट टू आस एंड देन यू कैन जम्प ऑन टू द रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आप जिस एक्चुअली जिस टॉपिक के बारे में आप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उसके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछना स्टार्ट कर सकते हो देन नेक्स्ट इज़ इंस्ट्रक्शन टू द इंफॉर्मेंस ठीक है देर हैज़ टू बी सम स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शन कि आप क्यों कलेक्ट कर रहे हो पहले तो ठीक है लास्ट में आप चाहो तो दे सकते हो कि ये इंफॉमेशन हमारे पास ही रहेगी हम इसलिए कलेक्ट कर रहे हैं एंड प्लीज़ सबमिट ठीक है देर हैज़ टू बी टू और थ्री इंस्ट्रक्शन जिससे उसके लिए ईजी हो जाए समझना कि इंफॉर्मेशन क्यों कलेक्ट हो रही है नो पर्सनल क्वेश्चन यू शूड नॉट आस्क एनी पर्सनल क्वेश्चन रिगार्डिंग लाइक वॉट इज दियोर सैलरी अमाउंट या फिर क्या है ठीक है uh, ऐसे सब पर्सनल क्वेश्चन नहीं पूछने चाहिए जनरली ठीक है द नेक्स्ट इज सिंपल एंड अट्रैक्टिव योर क्वेश्चनर शुड बी वेरी सिंपल इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव कि आपका रिस्पोंडेंट देखे फटाफट से फिल करें उसे बोलते हैं अट्रैक्टिव सिंपल लगना चाहिए देखने में और अट्रैक्टिव क्या हो गया जिसे जल्दी फिल करने में उसे इंटरेस्ट है जल्दी जल्दी फिल करके वो सबमिट कर सके ठीक है तो क्वेश्चनर शुड बी सच पीछे एक स्पेसिमेन देख लेते हैं इसका देखो सबसे पहले पूछ लिया है नेम जो मैंने आपको बोला देर टू बी प्रॉपर ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन देन एज एड्रेस देन आप जेंडर पूछ लो मेल हो या फीमेल हो अगर आपको लग रहा है कि आपको नंबर भी चाहिए होगा तो लैंडलाइन या फिर मोबाइल नंबर पूछ लो राइट देन यू कैन आस अब आप जिस टॉपिक के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो उसके बारे में पूछ लो है ना यहाँ पे मैंने क्या चूज़ किया है मैंने एम क्वेश्चन चूज़ किया है यहाँ पे मैंने चार ऑप्शन दे दिए हैं और मैंने ऊपर क्या लिखा हुआ है मैं किस लिए कलेक्ट कर रही हूँ कैफेटेरिया सेटिस्फेक्शन के लिए तो वो समझ जाएगा क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था कि मैं कैफ़े ओपन करना चाहती हूँ तो मैंने उसी के ऊपर स्पेसिमेंट यहाँ पे लिया है

मेन्यू का वो फेयर है ठीक है एक्सीलेंट नहीं है फेयर है फिर फे कोई है, पुअर है। तो मैं मैं जाके पूछूंगी से एक और मेल क्यों पुअर है अगर पुअर लग रहा है तो मैं और कैसे इंप्रूवमेंट लाऊ उसमें ठीक है है सो ये सब क्या है? आपका जो डेटा है वो बहुत ही प्रीशियस चीज है ये तो सिर्फ कैफेटेरिया के बारे में बात हुई जब आप ओवरऑल देखते हो डेटा का कलेक्शन होता है तो वो डेटा बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होल्ड करता है ठीक है ये आपने देख लिया लिमिटेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी है यहाँ पे कोई पर्सनल क्वेश्चन नहीं है यहाँ पे ठीक है तो ये अब हमने सारे पॉइंट्स यहाँ पे कवर कर लिए जो हमने यहाँ पे सीखे दैट हाउ टू कंस्ट्रक्ट अ क्वेस्नर और अ स्केड्यूल एंड यू हैव सीन अ स्पेसिमेन आल्सो नाउ इन द नेक्स्ट चैप्टर वी आर गोइंग टू कवर सेंसस एंड सैम्पलिंग टेक्निक्स टिल दैन कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग